बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेगुलेशंस विंग एस एंड जीएडी डिपार्टमेंट के अंदर कंपोजर BS-15 स्केल का पेपर हुआ था, ठीक है जी, 13 दिसंबर 2021 को। केस नंबर आप देख सकते हैं 2C-2021, और ये PPSC ने लिया है। इस पेपर को हमने आज डिस्कस करना है, ठीक है। इनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उनके राइट ऑप्शन क्या थे। वेलकम टू हब मास्टर। क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट नेचुरली अकरिंग गैस इज, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो मोस्टली अकरिंग गैस है वो है नाइट्रोजन N2, जिसको N2 से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्डर ओरिजिनेटेड इन शर्वर्ड सिलसिला, ठीक है, शर्वर्ड सिलसिला के लिए जो की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, बहाउद्दीन ज़िक्रिया से हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमियर ऑफ पंजाब इन इलेक्शन 1937, तो जो 1937 के इलेक्शन के प्रीमियर थे वो सिकंदर हयात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल सूरह इन लास्ट मंजिल ऑफ कुरान, आपको पता है कुरान पाक की कितनी मंजिलें हैं और उनकी जो आखिरी मंजिल है वो, उसके अंदर कितनी सूरह हैं, 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट्री डैम ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये बेसिकली पेरिस में है, लेकिन ये ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं था, सो नन ऑफ दिस आपने जो है सेलेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रपोजल इज रिलेटेड टू, तो बेसिकली जो क्रिप्स प्रपोजल था वो रिलेट करता था सेटिंग अप ऑफ एन इंडियन डोमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉफिट इज कॉल्ड फादर ऑफ मुस्लिम्स, तो इब्राहिम जो थे वो मुस्लिम्स के फादर कहलाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2019 G20 कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड ऑन विच मंथ, तो जो G20 कॉन्फ्रेंस हुई थी वो जून 28 और 29 को हुई थी, ठीक है। उन्होंने पूछा है कि 2019 में जो G20 कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी, तो हमने ये बताना है जून 28 और 29 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोलिस्तान डेजर्ट इज ऑल्सो नाउन एज रोही डेजर्ट, बेसिकली ये नंबरिंग इसलिए इसमें गलत आ रही है क्योंकि पहले मैंने इनको नंबरिंग देने की कोशिश की, फिर मैंने कहा चलो नंबरिंग नहीं देते, ऐसे ही जो है वो शॉर्ट टाइम में इसको जल्दी से बना लेती हूँ। चोलिस्तान का जो डेजर्ट है उसको रोही डेजर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कांग्रेस रिकग्नाइज्ड मुस्लिम लीग एज ए सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया 1937, 1937 में जो है कांग्रेस रिकग्नाइज्ड हुई थी एज ए मुस्लिम लीग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल, इफ 50% ऑफ पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 30%, उन्होंने कहा है कि 50% अगर आपका पी माइनस क्यू के हिसाब से उसकी वैल्यू हो 30%, तो आपकी पी प्लस क्यू के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमने फाइंड क्या करना है, पी रेशो क्यू, तो वो होगी 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्टिकल 58(2)(b), उन्होंने कहा है कि 58(2)(b) जो आर्टिकल था उसका जो मेन मोटिव या उसकी जो मेन काम था वो क्या था, पावर टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 के आईन में पाकिस्तान ने कौन सी पोजीशन को खत्म किया था, 1956 का जो आईन था उसमें पाकिस्तान ने गवर्नर जनरल की पोजीशन को खत्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की है कंप्यूटर की, ये कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट की हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हम करते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट ये होती है कि अगर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं सिलेक्ट कर लूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल प्लस जे प्रेस करूँगी, तो आप इसको लेफ्ट साइड पे भी पेपर के कर सकते हैं, राइट पे भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो पेज की अलाइनमेंट सेट करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस सी किस लिए होता है, ये सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल, जो एमएस एक्सेल के अंदर टाइप्स होती हैं सेल रेफरेंस की वो तीन होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट इंटरेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स, आपको पता है जो टेबल होता है उसके अंदर रो और कॉलम्स होती हैं, मीन्स रो और कॉलम से मिलकर एक टेबल बनता है, और जो एक कॉलम होता है उसके अंदर या फिर जो रो होती है उसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं यानी बॉक्सेस, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब रो और कॉलम से एक टेबल बनता है तो उस टेबल के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इस पे अमली बात किसने की थी, इलामा इकबाल ने। वजू और तयमम का हुक्म किस सूरत में आया है, सूरह मायदा के अंदर। ब्रेक एंड गो टू द नेक्स्ट, ये हम इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस इंटर। वो कह रहे हैं कि जो पेज हम जिस पे काम कर रहे हैं उसको ब्रेक करना हो, ठीक है, यानी उस पे एक लाइन लगा दें और नेक्स्ट पेज पे हम चले जाएं, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस इंटर का बटन प्रेस करते हैं। खुला चोर का मुतरादिफ है वसीओ अरीज, 1973 के आइन में ज़कात को किस दफाक के तहत शामिल किया गया था, 31st, ठीक है। 1973 के आइन के मुताबिक ज़कात को जब दफात में शामिल किया गया तो 31st बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अनार सो बीमार, शूत किसे कहते हैं, शूत का मतलब होता है मूवमेंट करना, मींस चक्कर लगाना, तो बेसिकली मुस्लिम्स के लिए शूत का मतलब है काबा के गिर्द चक्कर लगाना। लोहो दिल किस शायर की किताब है, लोहो दिल जो है गुलजार नसीम की किताब है, गुलजार नसीम। ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज, सबसे ब्राइटेस्ट भी वीनस है और कोल्डेस्ट भी जो है वो वीनस ही है। उर्दू की आखिरी किताब का नाम इब्ने इंशा। फैज किस पंजाबी शायर के दोस्त थे, मुनीर नियाज़ी के। कसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खंबा वाज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम लाहौर टू गुजरांवाला एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज, तो इसकी एवरेज होगी 45 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 9375 एंड द क्वेश्चन When the larger one is divided by the smaller is 15, the sum of these numbers. इस तरीके से ये पेपर ये सॉल्व होना है बेसिकली, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर लिया है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। जब आप जो वैल्यूज हमें सम करने के बाद आती हैं वो 400 है, सो 400 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल इज टू सीड एंड बटर इज टू मिल्क, ये बेसिकली दो अल्फाज देते हैं कि उनका रिलेशनशिप फाइंड करें, तो हमने ऑप्शन में करेक्ट रिलेशनशिप देखना होता है। वो कह रहा है कि ऑयल अगर है सीड से तो बटर जो है वो ऑब्वियसली आपको पता है ये मिल्क से बनता है, ठीक है। ऑन द काउस फ्लाइज इडियम्स मीन्स, काउस फ्लाइज इडियम्स का मतलब होता है इन ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज राइटिंग अ लेटर विद ब्लू इंक, ये इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन था, ठीक है, आपने प्रपोजिशन लगानी थी इसके अंदर, शी इज राइटिंग अ लेटर विद ब्लू इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल एक्सटेंशन इन पावर पॉइंट, वो कह रहा है जो फाइल एक्सटेंशंस होती हैं पावर पॉइंट की वो पीपीटी की फॉर्म में होती हैं, डॉट पीपीटी कुछ इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्टार्ट एमएस वर्ड, सबसे पहले जब हम एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं अपने लैपटॉप के अंदर तो विन वर्ड जो है सबसे पहले शो होता है, विन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर स्पेल चेकर, आपको पता है F7 जो है ऊपर वाली फंक्शनल जो कीज हैं F1 से F12 तक, उसमें जो F7 होती है उसको हम इस्तेमाल करते हैं ग्रामर को चेक करने के लिए, स्पेल एंड चेक ग्रामर चेकर। शॉर्टकट की फॉर हेल्प F1 की जो है वो हेल्प के लिए इस्तेमाल की जाती है। इक्वल साइन इज यूज इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर इक्वल का साइन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूलाज के लिए। फाइंड सिमिलर वर्ड इन एमएस वर्ड, जब भी हम
एक तरह के मिलते जुलते अल्फाज एमएस वर्ड के अंदर फाइंड करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, थिसॉरस कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट, जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका जो पहला पेज है उसको हम होम पेज कहते हैं। इंटायरली सिलेक्शन ऑफ वर्कशीट, वर्कबुक, वर्कबुक से हम जो है सिलेक्ट करते हैं डिफरेंट वर्कशीट्स को। एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज कॉल्ड वर्कशीट, एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज कॉल्ड वर्कशीट। पाकिस्तान साइडेड बाय नाटो इन टेररिस्ट, नाटो वॉज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट हु प्रेसिडेंशियल स्पीच इन 23 मार्च 1940, 1940 में जो सबसे पहली स्पीच दी थी 23 मार्च को, वो कायदे आजम ने दी थी। हु रिमूव्ड खिलाफत इन तुर्की, तुर्की के अंदर खिलाफत को किन्होंने जो है वो रिमूव किया था, मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क जो थे उन्होंने रिमूव किया था। स्नो इज टू वाइट, कोल्ड इज टू ब्लैक, ये रिलेशनशिप था। स्टोरी इज टू नॉवल एंड सी इज टू ओशन। 7 - 3 × 8 - 4 / 4, आंसर आता है आपके पास 7। ही रीड द फ्यू बुक्स ही हैड, द फ्यू बुक्स वॉज द राइट आंसर। टू ओपन फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस है, जब हम कंट्रोल प्लस एच लिखते हैं ना अपने पावर पॉइंट के अंदर, तो उससे ये होता है कि आपका जो एक फाइल के अंदर बार बार अल्फाज आए होते हैं उनको आप ढूंढना चाहते हैं, किसी वर्ड को वहां पे आप वर्ड लिखें तो हमारे पास वर्ड जो है उससे रिलेटेड सारे वर्ड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट व्यू फॉर प्रेजेंटेशन, जब भी हमने कोई प्रेजेंटेशन होती है तो हम स्लाइड शॉर्टर व्यू यूज करते हैं, मतलब जिस तरह से ये मेरी स्लाइड्स ऊपर की तरफ जा रही है ना, प्रेजेंटेशन के लिए हम पावर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं एज एन स्लाइड शॉर्टर व्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।